Vande Mataram student, today this video is of revision for FA 3. Chapter which are going to come is chapter number 8, reaching grandmother's house, and chapter number 9, changing families. Now, this is of 4th standard EVS subject. Let's start the revision. First question is of pick the correct option. The first is, what is the group of people who live in one house known as? People ke group agar ek hi ghar mein reh rahe ho to usko hum kya bolenge? Answer is family. Third one is, what is not seen in a baby's mouth at the time of its birth? To paida hote waqt jo baby hota hai uske muh mein kya cheez nahi dikhti hai? Answer is teeth. आगे हम देखते हैं, वर्षा इज आशाज भाभी, सो व्हाट इज वर्षा टू हर? अगर वर्षा आशा की भाभी है तो वर्षा क्या लगेगी आशा की? सिस्टर इन लॉ. फोर्थ वन इज, व्हाट इज द लीस्ट एज ऑफ अ गर्ल टू बी एबल टू मैरी? तो एक लड़की की कम से कम उम्र क्या होती है शादी करने की? दैट इज 18 ईयर्स. नेक्स्ट इज, हुज फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अ न्यू सिटी? किसके पापा नई सिटी में ट्रांसफर हो गए? आंसर इज सुमी. अब इसमें खाली 5 टिक द करेक्ट ऑप्शन ही है, तो आपको बाकी सारे एक्सरसाइज के अंदर से टिक द करेक्ट ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें से एक टिक द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, तो आपको सारी एक्सरसाइज एकदम अच्छे से लर्न करनी है. नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है, ओमाना गॉट ऑफ एट डैश स्टेशन. ओमाना कहाँ उतरी थी? तो कोटायाम स्टेशन. अ रेलवे डैश गिव्स डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन. तो रेलवे का क्या निकलता है? तो टाइम टेबल, जिसमें सारे रूट होते हैं ट्रेन के. थर्ड इज, प्लेटफॉर्म टिकट इज नेसेसरी टू गो टू द प्लेटफॉर्म. अगर हमें प्लेटफॉर्म में भी जाना है तो प्लेटफॉर्म टिकट रहेगी, और ट्रेन की टिकट तो अलग से होती है. ओमाना ट्रैवल 2418 किलोमीटर्स टू रीच कोटायाम. तो ओमाना ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 2418. ओमाना चेंज टू ऑटो रिक्शा टू रीच वली अम्मास हाउस. तो ओमाना ने कितने ऑटो रिक्शा चेंज किए? 2 ऑटो रिक्शा चेंज किए ताकि वो वली अम्मा के घर पहुँच सके. नेक्स्ट चैप्टर के ब्लैंक्स कुछ इस तरह हैं. फर्स्ट है, डैश इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सेकेंड वन इज, लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज हैज़ स्ट्रिक्टली फिक्स्ड द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. तो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जब उनकी शादी का सोचते हैं तो एक फिक्स लॉ बने गए, कानून बने गए हैं. क्या है कानून? किस पे है? तो चाइल्ड मैरिज पे है. थर्ड है, मदर सिस्टर इज कॉल्ड मासी. जो मम्मी की बहन होती है उसको क्या बोला जाएगा? मासी. देयर आर टीथ इन द माउथ टू च्यू फूड. तो खाना चबाने के लिए क्या होता है मुंह के अंदर? तो दांत होते हैं, टीथ होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रू और फॉल्स का. तो रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज वर देयर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. तो रिवर के बैंक में, किनारे में कोकोनट के ट्रीज लगे हुए थे. द आंसर इज ट्रू. प्लेटफॉर्म टिकट इज इनफ अस टू ट्रैवल ऑन द ट्रेन. तो सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट ही काफ़ी है अगर हमको ट्रेन में जाना है? तो आंसर इज नो, दैट इज फॉल्स. गलत बात है, अगर हमको ट्रैवल करना है तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट भी लेनी पड़ेगी और ट्रेन की टिकट भी लेनी पड़ेगी. नेक्स्ट चैप्टर की ट्रू ऑफ फॉल्स है, वी लर्न द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस फ्रॉम अ फैमिली. तो साथ कैसे रहना है वो हम कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं. आंसर इज ट्रू. देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन लार्ज फैमिली. जिसकी बड़ी फैमिली होती है तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है क्या? नहीं, गलत बात है. आंसर इज फॉल्स. वी मस्ट एड्रेस द एल्डर्स ऑफ अवर फैमिली रिस्पेक्टफुली. तो हमें हमारे फैमिली में जो हमसे बड़े होते हैं उनसे हमें आदर से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए. आंसर इज ट्रू. चाइल्ड मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड एज क्राइम. जो बाल विवाह होता है, जो जिनके बच्चे होते तभी शादी हो जाती है छोटी उम्र में ही, वो एक गुनाह है. वो गुनाह नहीं है ऐसा इसमें बोला गया है.
तो आंसर इज फॉल्स. थर्ड वन इज ओमाना गॉट ऑफ एट कोझीकोड. ओमाना कोझीकोड उतरी थी क्या? नो. आंसर इज फॉल्स. ओमानास फैमिली एंड वलियामास फैमिली टुगेदर वेंट टू ग्रैंड मदर्स हाउस. तो ओमाना और वली अम्मा की जो फैमिली है वो साथ में गए थे ग्रैंड मदर के घर पे. आंसर इज ट्रू. अब इधर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है ट्रू और फॉल्स का. राइट द फुल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग. तो आपको फुल फॉर्म लिखने हैं तो क्या है पढ़ते हैं हम. PTO. PTO का फुल फॉर्म है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर. SL क्लास स्लीपर क्लास. WS विंडो सीट. PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड. FC इज फर्स्ट क्लास. एंड IRTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन. तो आपको क्या है कि ये वाले दिए जाएंगे और आपको उसके सामने उसका आंसर लिखना है. अब ये लास्ट है, इसका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपके एक चैप्टर में MCQs नहीं है या टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो उसकी जगह कुछ ऐसा आ सकता है. व्हाट विल यू कॉल योर मदर्स मदर. द क्वेश्चन विल बी नेफ्यू, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या मदर. ठीक है, तो आप किस पे टिक करोगे? ग्रैंड मदर पे टिक करोगे. ब्रदर्स सन को क्या बोलते हैं? नेफ्यू. तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट विल यू कॉल योर ब्रदर्स सन, नीज, नेफ्यू, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर. तो आपको नेफ्यू पे टिक करना है. ठीक है, समझ आ गया आपको? तो फादर्स मदर को बोलते हैं ग्रैंड मदर, फादर्स के फादर को बोलते हैं ग्रैंड फादर और मदर्स के ब्रदर को बोलते हैं मामा. हियर आई एम कंप्लीटिंग माई वीडियो. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. लर्न वेल. Stay safe. Goodbye.